और यह अवैध खनन का खेल। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन लगातार किया जा रहा है। सीतापुर से बड़ी खबर, धरल्ले से जारी अवैध खनन का खेल। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन का खेल जारी है। खनन माफियाओं ने खेतों को बना दिया तालाब, किसानों ने जमीन पर जबरन खनन का आरोप लगाया। सीतापुर में लगातार खनन का खेल जारी है। जिले में खनन के कई बार अधिकारियों से की गई है खनन की शिकायत। तस्वीरों में देखिए आप, खेतों को तालाब बना दिया गया है और कई बार ऐसी लापरवाही भी सीतापुर से सामने आई है, जहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि कई सारी दुर्घटनाएं भी सामने आ चुकी है। लेकिन अभी भी लगातार सीतापुर में खनन का कारोबार किया जा रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लगातार खनन का काम किया जा रहा है। पुलिस और तहसील प्रशासन की मिली भगत से ये खेल लगातार जारी है। तो ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस मिली भगत से ये खेल किया जा रहा है। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के बाद अवैध खनन किया जा रहा है। कई बार अधिकारियों से की गई है खनन की शिकायत। आपको बता दें, कई सारी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें गड्ढे में डूबकर कई सारी मौतें भी हो चुकी हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में एक खबर सामने आई थी सीतापुर से ही, जहां पर एक गड्ढे में बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी थी। तब भी के न्यूज इंडिया ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। सीतापुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। इससे पहले भी हम कई सारी खबरें दिखाई चुके हैं सीतापुर के खनन के बारे में। कई सारी खबर के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई है। इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी जिसमें गड्ढे में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। कई सारी ऐसे खबरें लगातार सामने आती जा रही हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि प्रशासन मौन क्यों है, क्यों प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है अवैध खनन को लेकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीतापुर में लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। खेत को तालाब बना दिया गया है और लगातार दुर्घटनाएं सामने आती चली जा रही है, पर पता नहीं क्यों प्रशासन यहां पर मौन साबित हो रहा है। प्रशासन को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। खनन माफियाओं ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया, किसानों ने जमीन पर जबरन खनन का आरोप लगाया है। कई सारी दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं सीतापुर से अवैध खनन के चलते। गड्ढे में डूबने से कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। प्रमुखता से के न्यूज इंडिया ने इस खबर को दिखाया था, अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीतापुर में लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। धरल्ले से जारी अवैध खनन का खेल। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खेत को तालाब में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी अवैध खनन का यह खेल जारी। खनन माफियाओं ने खेतों को बना दिया है तालाब, किसानों ने जमीन पर जबरन खनन का आरोप लगाया। जिले में खनन के गड्ढे में डूबकर हो चुकी हैं कई मौतें। बता दें आपको, सीतापुर में हाल ही फिलहाल में एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा, प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखाता जा रहा है। जिस तरीके से सीतापुर में अवैध खनन का खेल हो रहा है, प्रशासन से लगातार बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वही बात सामने आती है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। सवाल यही कि कार्रवाई कब होगी, कब प्रशासन जागेगा और कब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें देखिए आप, खेत को तालाब में तब्दील कर दिया गया है। कितने बड़े बड़े गड्ढे यहां पर सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे गड्ढों में डूबने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासन की आंखें खुली नहीं है। प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी है, पता नहीं वो कब खुल पाएगी, कब प्रशासन जागेगा और कब कार्रवाई करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अबरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, लगातार सीतापुर से अवैध खनन की खबरें सामने आती है। के न्यूज इंडिया प्रमुखता से सारी खबरें दिखाता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। ये आपको बताना चाहूंगे, थाना प्रकरण क्षेत्र का मामला है जहां पर अल्लीपुर गांव पड़ता है। वहां पर लगातार अवैध खनन है, जो बालू का लगातार अवैध खनन हो रहा है। किसानों की जो जमीनें हैं वहां पर जेसीबी से खोद कर, दिन रात जेसीबी से खोद कर वहां पर बालू निकाली जाती है। अवैध कर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, तालाब पूरे बना दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे पूरा खेल खेला जा रहा है। लेकिन उनका शायद
जू तो नहीं रेंग रही है, उनको पूरी तरीके से मालूम है। अगर ग्रामीणों की माने तो वहां पर कई पूरे गांव वालों ने इनके डीएम से, जिलाधिकारी और कई लोगों से शिकायत की, पुलिस में थाने में फोन करके भी शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार थानों में भी पुलिस लगातार गश्त करती रही, दिन में जेसीबी चल रही है, तो इससे लगातार लग रहा है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते लगातार खनन हो रहा है। इस पर जब केंद्र की खबर चलाता है और उसके बाद अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकारी कोई कोई फोन नहीं उठाते हैं, और इस पर कोई जवाब मांगा जाता है तो उस पर कोई जवाब कैमरे पर देने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। जी अबरार, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? जी बिल्कुल सही कहा, इसमें इससे पहले भी इसे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए अवैध खनन के चलते, कि इसमें अभी तो 5 बच्चों की अभी कुछ दिन पहले ही मौत डूबने से हो गई थी, लेकिन प्रशासन इससे कोई नहीं सबक ले रहा है। लगातार उसको शायद मिली भगत से है, सभी लोगों का साठ गांठ है, जिसके चलते तो उस पर कोई रोक नहीं लगती। पुलिस थाना पूरा, अगर वहां की माने तो लोगों की, तो उनका कहना है कि पुलिस थाना भी मिला हुआ है और वहाँ के जो लोकल के जो थानेदार हैं वो लगातार वहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है कि अधिकारी उसको जाकर और उसको रोके, और दिन में ही पूरे खनन किया जा रहा है। जी अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो अधिकारियों की मिली भगत से खनन का खेल जारी है, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत कर चुके हैं। के न्यूज इंडिया लगातार खबरों को दिखा रहा है, प्रमुखता से इन खबरों को दिखा रहा है कि सीतापुर में किस तरीके से अवैध खनन का खेल जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है, अधिकारियों को समझ नहीं आता। और बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि आखिरकार इस अवैध खनन को लेकर कब कार्रवाई होगी। बाराबंकी